तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि असम में स्थित है। लेकिन हम उस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले असम के तेलकुए में आग लग गई। तो ये जो आग लगी वो तिनसुकिया ज़िले के बाघजान गाँव में, जो गाँव है बाघजान गाँव, वहाँ आग लगी और आयल इंडिया लिमिटेड के प्लांट में विस्फोट हुआ, जिसे कि ब्लो आउट कहा जाता है। और उसके बाद प्राकृतिक गैस का रिसाव चालू हुआ। और घटना की अगर हम बात करें तो 27 मई की सुबह से असम में गैस के कुएं से प्राकृतिक गैस का लगातार बहाव हो रहा है और राजधानी गुवाहाटी से करीब 450 किलोमीटर दूर तिनसुकिया जिला के बाघजान गांव में स्थित आयल इंडिया लिमिटेड के प्लांट में विस्फोट या ब्लो आउट हुआ, जिसके बाद इस कुएं से प्राकृतिक गैस का रिसाव शुरू हुआ। और अगर हम बात करें कि विस्फोट क्यों होते हैं, तो कुएं में दाब संतुलन के गड़बड़ाने से किक या फिर दाब में परिवर्तन आ जाता है और अगर इन्हें तत्काल नियंत्रित नहीं किया जाता तो किक अचानक विस्फोट में बदल जाता है, जिसकी वजह से इन तेल के कुओं में विस्फोट होता है। साथ ही साथ इसको नियंत्रित करने में कठिनाई होती है और नियंत्रण के लिए उपाय की अगर हम बात करें तो अधिकांशतः ब्लो आउट यानी कि जो विस्फोट होता है वो स्वतः ही शांत हो जाते हैं, लेकिन इनमें कभी कभी कई महीने का समय लग जाता है। और किसी ब्लो आउट को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले पानी से पंप किया जाता है ताकि गैस द्वारा आग पकड़ने के जोखिम का खतरा न हो। और इसके आसपास पर प्रभाव पड़ने के वजह से डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क चर्चा में आया, साथ ही साथ मगुरी मोटापुक वेटलैंड वो भी चर्चा में आया और उसके अलावा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी को संदर्भित किया जा रहा है। तो आइए हम बात कर लें इसके वजह से क्या हुआ था कि डॉल्फिन नदी, डॉल्फिन मछली जो है वो प्रभावित हुई और वो उसकी मृत्यु हो गई, साथ ही साथ बहुत ही मात्रा में मछलियों की मौत हो गई। और आगे हम बात करते हैं अब डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में। तो अगर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। हालांकि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। 1929 में इसे सैखोवा आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था और 1986 में यानी कि 1986 में डिब्रू सैखोवा को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1997 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और इसके कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसका कुल क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 340 वर्ग किलोमीटर का इसका कोर एरिया है और 425 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन है। तो कोर एरिया ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे पर्यटन या फिर किसी भी अन्य गतिविधियों की मनाही होती है, यहाँ पे सिर्फ शिक्षा या फिर किसी भी रिसर्च के लिए अंदर जाया जा सकता है। तो ये हो गया डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की बात। साथ ही साथ इसके अगर हम भौगोलिक संरचना की बात करें, इसकी स्थिति की, तो ये जो पार्क है यानी कि इस डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, ये तीन नदियों से घिरी हुई है। पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है डिब्रू और तीसरा है लोहित नदी। तो ये ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी से उत्तर की तरफ से घिरी हुई है, जबकि डिब्रू नदी से दक्षिण की ओर से घिरी हुई है। साथ ही साथ अगर इस डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की हम कुछ और चर्चा करें तो यहाँ पे स्तनधारियों के यानी कि मैमल्स के 36 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे पक्षियों के लगभग 400 प्रजाति पाई जाती हैं। इसके अलावा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क मेनली प्रवासी पक्षी और जंगली घोड़ों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ लगभग सभी प्रकार के वन मिलते हैं, जिसमें सदाबहार वन शामिल हैं, अर्ध सदाबहार वन शामिल हैं और डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि पतझड़ वन शामिल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे घास भूमि ग्रासलैंड भी मिलते हैं। इसके अलावा स्वैम्प फॉरेस्ट यानी कि दलदली जंगल भी मिलते हैं। और इसके अलावा ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा दलदली जंगल डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। तो नेशनल जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, इस पर आराम से इस वर्ष मतलब स्टेट PSC और UPSC आराम से एक या दो क्वेश्चन इस पर पूछ सकती है। तो जैसा कि बताया डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, इसे 1999 में डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, 1997 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 765 वर्ग किलोमीटर है।
और अब हम बात करते हैं एक जो और चीज़ चर्चा में आया है इसके साथ साथ। तो जैसा कि बताया है यहाँ के सदाबहार वन, अर्धसदाबहार वन, पतझड़ वन, घास भूमि, दलदली जंगल हैं। और दलदली जंगल जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में है वो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जंगल है और दलदली जंगल है। इसके बाद जो दूसरा चीज़ चर्चा में आया वो है मगुरी मोटापुंग वेटलैंड, जो कि BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा जिसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है। तो मगरी मोटापुंग वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड है और ये डिब्रू सुखोवा नेशनल पार्क से 10 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। साथ ही साथ डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है और इसका जो नाम है मगुरी, असल में इसके वहाँ मछली पाया जाता है जिसे मांगुर कहा जाता है, उसकी वजह से इसका नाम मगुरी रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे जो भी प्रवासी पक्षी आते हैं वो मगुरी मोटापुंग वेटलैंड पे ही आते हैं, क्योंकि असम के आग से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील एरिया है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर हम डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे IUCN के कैटेगरी सेकेंड में रखा गया है। और कैटेगरी सेकेंड का मतलब ऐसा होता है, मतलब ये होता है कि वहाँ के पर्यावरण को बचाया जाएगा और जो बड़े स्तर का नेशनल, बड़े स्तर का पार्क होगा उसको इसके यानी कि IUCN के कैटेगरी सेकेंड में शामिल किया जाता है। और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क IUCN के सेकेंड कैटेगरी में शामिल है। तो मेनली यहाँ के पर्यावरण को बचाना ही इसका उद्देश्य है IUCN का। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और मगरी मोटापुंग वेटलैंड, जिसे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित अधिसूचित किया गया है। ये भी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। अब हम थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में, जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 में की गई थी। और जो ये संस्था है, जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट जैव विविधता में अनुसंधान और संरक्षण का कार्य करती है और ये मुंबई में स्थित है। साथ ही साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को के हेड ऑफिस को हॉर्नबिल हाउस कहा जाता है। असल में इसका जो लोगो है जो कि 1933 में बना वो भी मेनली हॉर्नबिल ही है। इसका वजह ये है क्योंकि 1894 में, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, कहानी कुछ ऐसी है कि 1894 में यहाँ पे एक हॉर्नबिल को लाया गया था जो कि जिसकी मृत्यु 1920 ईस्वी में होती है। और जितने दिन वो वहाँ लोग थे वो जब तक चिड़िया था उसने कभी पानी नहीं पिया ना ही कभी नहाया। साथ ही साथ वहाँ के जो सचिव हुआ करते थे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के, वो सचिव उसके साथ टेनिस बॉल खेला करते थे। और क्या करते थे, जब वो टेनिस बॉल फेंकते थे तो ये जो हॉर्नबिल था जिसका नाम विलियम था वो अपने चोंच से गेंद को पकड़ा करता था। और मतलब लोगों से इनका बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक संबंध बन गया था एक चिड़िया का। इसके लिए इमोशनल लगाव की वजह से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो लोगो बनाया गया वो उसी विलियम के फ़ोटो को, एजी लोगो उतार लिया गया। और 1933 में जब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का 50वां साल यानी कि सिल्वर जुबली मनाया जा रहा था तब उस लोगो को एक्सेप्ट किया गया। और तो ये था डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और मगुरी मोटापुंग वेटलैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद है कि आपको बेहतर लगा होगा और इसी तरह जुड़े रहें ताकि जो भी और जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर सकें जिससे आपको मदद मिले। नमस्कार।